अरे क्या आशीष कर रही है, नाम लेके पुकार। जाओ, तेरे ससुराल वाले हैं, जल्दी तैयार हो जा। वक्त आएगा तो देखा जाएगा, तुम मेरा एक काम करो। नीचे मेरे मास्टर जी खड़े हैं, ये किताब उन्हें दे दो, इसमें मेरी छुट्टी की दरख्वास्त है। मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी। तो उन्हें बुला ना लाऊं, वो मंगनी में नहीं आएंगे। नहीं नहीं, बस जो मैंने कहा तुम वही करना। अच्छा, ये दिया उन्हें। कहाँ जा रहे तू? खालू जी नीचे। अरे हर वक्त नीचे, ये वक्त नीचे जाने का है? खालू जी ये नीचे, ये मुझे पकड़। और तू जाके पता कर बावर्ची खाने में चाय तैयार है तो 10 मिनट के अंदर लेके आ, वो लोग आने वाले। चल 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 चल। ये पर्दे ठीक है, खिड़कियाँ कर लेगा। धीरे से जाना बगियन में रे भमरा है, धीरे से जाना। आ गए। अरे खुशामदी। वालेकुम। अरे बच्चों की माँ ख्वाजा हनीफ कहाँ चले गए बेटे सब? जीते रहो जीते रहो। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आगा जान। हाँ, ये हमारी बेगम, जिंदगी के 30 साल इन्होंने सदर हमारी खिदमत की है कि वालिदा का एहसास तक नहीं होने दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे आप खड़े क्यों? तशरीफ। अरे शुक्रिया शुक्रिया। चलिए चलिए आगा जान जी, ये हमारा बड़ा लड़का। हाय हेलो। माशाल्लाह बहुत ऊंचे ख्यालात का मालिक है, और मैं इसे इंजीनियरिंग के लिए इंग्लैंड भेजने वाला। कब? अरे बहुत जल्दी भेजिए। अच्छा अच्छा। और ये हमारा छोटा बच्चा है, आर्टिस्ट है, बहुत जल्द ये फिल्म बनाने वाला है। ओ हो, बहुत खूब। ब्याज वो समझेंगे, मिरासी है। अगर जान जी, बड़े खादा साहब। मैं ये अर्ज करना चाहता था जी जी, अगर 4 खूबियां हमारे बेटों में हैं तो 10 खूबियों की हमारी बच्ची खालदा मालिक है। जुमे के रोज फजर को पैदा हुई थी, मुर्गा अजान दे रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे साहब, सूरत सीरत से बढ़ के, सीरत सूरत से बढ़ के है। वाह वाह वाह। प्यारे नजम, तुम नीचे खड़े हो और मैं घर से नहीं निकल सकती। यहाँ कुछ लोग मेरी मंगनी के लिए आए हैं, वो बेवकूफ नहीं समझते कि मैं तुमसे शादी में वादा कर चुकी हूँ। मायूस न होना, शादी तुम ही से करूंगी, चाहे मुझे घर से भागना पड़े। मरते दम तक तुम्हारी खालिदा का। यह खत आपकी बेटी का है? बेटी का खत? जी हाँ, आपकी बेटी का। राजा जी, आपने नोट फरमाया कि किस कदर दर्द है इसकी तहरीर में। अभी रात ही मेरे पास बैठी हुई अपने लिखा हुआ अफसाना मुझे सुना रही थी साहब। बखुदा यकीन कीजिए कि मेरी आंखों से टिपकन टिपकन आंसू बह रहे थे। ये उसी अफसाने का टुकड़ा है। जी नहीं जी नहीं खालू जी, पता है ये जी खालदा की छुट्टी की दरखास्त है जी, उसके मास्टर जी नीचे खड़े लाइए दे आऊंगा। समझो मेरा एतबार नहीं तो खालदा को बुला के पूछ लो। अब कहने सुनने की क्या जरूरत बाकी रह गई है? आपकी बेटी के करतूत। हुआ क्या है जी? हुआ क्या है? हुआ ये कि हमारे भाग जाग गए और तुम्हारी तब्दील हो गई। मैं आपको एक शरीफ आदमी समझकर अपने बेटे का रिश्ता तय करने यहाँ आया था, लेकिन आप एक ऐसी लड़की को मेरी बहू बनाना चाहते हैं जो घर से भागने का इरादा रखती है। जबान संभाल के बात करो, मेरी बहन ऐसी नहीं है। तो ये खत उसके माथे पर चिपका दो ताकि दुनिया पढ़ सके कि ये छुट्टी की दरखास्त है या उसके काले करतूतों की सिहाई। चलो बेगम। हल्ला, उसे क्यों बुलाता है बदबख्त? अरे उसने मुझे झूठ बोला है। अगर उसने झूठ बोला था तो तुम्हें सबके सामने सच बोल के पोल खोलने की क्या जरूरत थी? इसने हमारे सारे मंसूबे मिट्टी में मिला दिए। ये इस घर का दुश्मन है। अगर ये मनहूस इस घर में रहा तो इस घर को बर्बाद कर दे। अरे बाबा, अच्छा इंसाफ कर रहे हो। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। हाला चल।
मैं चला जाता हूँ खाला, लेकिन इतना सुन लो कि अगर मैं इस घर का दुश्मन हूँ, अगर मेरे जहन में कभी इस घर को बर्बाद करने का ख्याल आया हो तो खुदा मुझे मौत दे दे। लेकिन अगर अगर तुम्हें सच और झूठ की पहचान नहीं रही तो खुदा इन आंखों को भी अंधा कर। क्या हुआ शंभू, क्या जुए का दाव हार गए? नहीं चाचा, मैंने घर छोड़ दिया। खाला का घर? मैंने पहले ही तुझे समझाना चाहा था, लेकिन तेरा मिजाज तो बरहम हो गया। बेटे, लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ बैठे बैठे लोगों के चेहरों से उनके जमीन की स्याही और सफेदी पढ़ लेता। खैर, अब जाओगे कहाँ? कोई ठिकाना नहीं। मेरे होते हुए तू क्यों गम करता है? पगली, अमीर का काम है ठोकर लगाना, पर गरीब के आंसू गरीब का आंचल ही समझता है। चल घर चल। तेरे घर? मेरा घर कहकर उसे गैर न समझ। माँ तो किसी को माँ भी तो कह चुका है। माँ? चल ना। खुदाया इन दोनों का सुलूक बनाए रखना। यहाँ आके क्यों खड़ा हो गया? मैं यहाँ बड़े घर से छोटे घर में आकर दुख हो रहा है? ये बात नहीं। तो फिर क्या? मैं यहाँ बोझ बन के। बोझ क्यों समझता है अपने आप को? जानते हैं माँ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? माँ कह रही थी तुमसे बहुत अच्छा लगता है और तेरी मेरी वो शादी। शादी? माँ तो चाहती है, पर माँ के सोचने से क्या होता है? ना जाने मैं तुझे कैसी लगती हूँ, और ना जाने तू किसी और को पसंद भी कर चुका हो। जाना चाहे तो कौन रोक सकता है तुझे? हम इतने खुशकिस्मत कहा कि तू इस घर को अपना घर समझने लगे। माँ ने ये बात करके मेरी मुश्किल आसान कर दी, वरना अपने दिल की बात कहने के लिए मैं अपनी माँ को कहाँ चला था।